मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बेटा, इस नीट के एग्जाम में काफी सारे बच्चों ने अभी तक फोन करके, मैसेजेस करके और पर्सनली आके मिले हैं और उन्होंने उनके स्कोर्स के बारे में बताया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 550 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 570 प्लस स्कोर कर रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे बच्चे ये भी हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर आकर मिले हैं, कुछ फोन पर बात हुई है कि सर हमें मेहनत के कंपैरिजन में थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो सर हमें प्लीज एक चांस अगर मिल जाए ना तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और उन बच्चों जैसे जिन्हें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके जैसे अच्छे परफॉर्मेंस हम दिखा सकते हैं, अच्छे मार्क्स से हम नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है, बीइंग योर मेंटर्स, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स और आप एक बार इंस्टीट्यूट पे आए और हमसे मिले ताकि हम लोग डिस्कशन कर सके कि हर साल जो बच्चे रिपीट करते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, उनका स्टार्टिंग कैसा होता है और एंड में उन लोगों ने क्या किया और वो कैसे सक्सेसफुल हुए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फ्रेंड्स रिपीट कर रहे इसलिए रिपीट किया लेकिन वो बाद में उन्हें फेल्यूर का सामना करना पड़ा। तो हमें ऐसा लगता है कि रिपीट करना है तो क्यों करना है या नहीं करना है, इन चीजों के जो बहुत सारे जो सवाल है कि रिपीट क्यों करें, करना चाहिए क्या, कौन से बच्चों ने करना चाहिए, जिन्हें एक कोई मार्क का क्राइटेरिया है क्या कि जिसमें इतने मार्क्स आने के बाद रिपीट करना चाहिए या इतने मार्क्स आने के बाद नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब इंडिविजुअली एक एक बच्चे को देने की जगह हम लोगों ने आपके लिए एक सेमिनार रखा है संडे के दिन। तो बच्चों हम लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, संडे के दिन 14th of May को संडे के दिन आपका सेमिनार है सुबह 11 बजे। आप हमारे पास आओ, हम आपको समझाएंगे कि रिपीट क्यों करें, करना चाहिए क्या या करना नहीं चाहिए, क्योंकि रिपीट ऐसी एक प्रोसेस है। देखो फ्रेशर में आप लोग जो कर रहे थे तो फ्रेशर्स में आप बहुत आसानी से उन चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, रिकॉल भी कर रहे थे और परफॉर्मेंस भी दिखा रहे थे, लेकिन रिपीट में स्टडी बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ बहुत नॉलेज का डेप्थ बढ़ जाता है, लेकिन आखिरी आखिरी में बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों के जो जवाब है वो इस सेमिनार में, सेमिनार की जगह मैं कहूंगा इंटरैक्टिव सेशन, जहां पे आप सवाल पूछोगे हम आपके सवालों के आंसर्स देंगे, जवाब देंगे। तो ऐसा एक सेशन हम लोगों ने आपके लिए रखा है संडे के दिन, तो आना ना भूलिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाओ और वहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं इन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मिलते हैं 14 मई को सुबह 11 बजे। थैंक यू।